आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मसालों के चमत्कारी उपाय। आइए जानते हैं वो उपाय कौन से हैं। यदि घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है तो हल्दी से लेकर स्वास्तिक मुख्य द्वार पर दोनों साइड बनाएं। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और बरकत भी होती है। ये काम आप गुरुवार के दिन करें। यदि घर के सदस्यों में ऊर्जा की कमी है, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उनको जो भी भोजन आप देवें उसमें एक चुटकी लाल मिर्ची या काली मिर्ची स्प्रिंकल करके देवें। ऐसा करने से उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और थोड़ा सा उनमें, जिसको बोलते हैं, साहस का भी संचार होगा, क्योंकि कई बार ऐसे जो लोग होते हैं, बच्चे या युवा, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उनको गर्म मसाला, काली मिर्च या लाल मिर्च ज़रूर देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी खाने में। इसके अलावा ऐसा सदस्य है जो बार बार नज़र का शिकार हो रहा है, तो एक मुट्ठी नमक ले लीजिए, उसको मुट्ठी में भरकर किसी भी पवित्र मंत्र का जाप करिए और सिर से लेकर पैर तक क्लॉकवाइज घुमाते हुए उस नमक को एक साइड पर रख दीजिए। किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए, उसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ किसी का पैर भी ना पड़े और अपमान भी ना होने पाए। यदि आपको बिजनेस में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा धनिया पाउडर लेकर एक कपड़े में बांधकर, हरे रंग के कपड़े में बांधें, उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। यदि कोई प्रेमी जन आपके हिसाब से नहीं है, मतलब आप किसी को चाहते हैं लेकिन अपेक्षित रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी सी सौंफ लेकर अपनी पॉकेट में रख लीजिए या पर्स में रख लीजिए, आपको लाभ मिलने लगेगा। अब मैं बताती हूँ आपको अन्य और उपाय। अगर आपके घर में आए दिन नज़र बाधा, तंत्र बाधा रहती है, तो घर की बाउंड्री के घुमावदार है, राउंड है, चौकोर जैसा भी है, घर की जो बाउंड्री है वहाँ पर पीली सरसों, गायत्री मंत्र का जाप पहले कर लीजिए मुट्ठी में सरसों को लेकर, और फिर उस सरसों को आप घर की बाउंड्री में चारों तरफ बिखेर दीजिए। ऐसा करने से शमन हो जाता है किसी भी बाधा का। शत्रु अगर बहुत सता रहा हो तो 7 काली मिर्चें ले लीजिए, उसको मुट्ठी में लेकर शत्रु का नाम ले लीजिए और फिर एक एक काली मिर्ची जाके एक एक छोटा छोटा खड्डा खोदिए और उसमें दबा दीजिए और वापस घर पर आकर कपड़े चेंज कर लीजिए। ऐसा करने से शत्रु सताना छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं एक और ख़ास उपाय। यदि कोई व्यक्ति आपके हिसाब से काम नहीं करता है, आपकी हर बात में नानुकूर करता है, तो ऐसे मनुष्य को स्नान के पानी में थोड़ी सी इलायची के दाने डालकर स्नान करवाएं घर के सदस्य को, तो वो आपके हिसाब से काम करने लगेगा। तो इस तरह से मसालों के बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए। एक और बता देती हूँ चलते चलते, वो है काली राई का उपाय। जिन लोगों को ऊपरी बाधा का डर रहता है, उनको एक लोहे की कील और थोड़ी सी राई हमेशा अपने पर्स में, अपने साथ में रखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी बाधाओं का निवारण होता है।